ये सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान ही कर सकता है। पेटिशन था ना, वो मतलब खरा नहीं उतर पाया। ओके ठीक है, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत कॉमेडी लगा भाई, कोई नहीं लगता शाहरुख के सामने। ये साल का पहला इंडियन एक्टर हो जाएगा जो लगातार 3 हैट्रिक देगा, ब्लॉकबस्टर देगा और 1000 करोड़ मारेगा ही मारेगा। ये पहला दिन का कलेक्शन 35-40 आएगा, कोई टेंशन नहीं। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कवर करेगा पूरा। बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है, फुल ऑफ लाफ्टर, फुल ऑफ गुड एंट्रीज और बहुत मजा आया मुझे तो फर्स्ट टाइम। बेस्ट पार्ट मुझे सबका ही लगा, सब भी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली सुनील ग्रोवर के भाई की आई गेस ये फर्स्ट फिल्म है। वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा, इतना सारा गिर रहा था ऊपर से, इट्स अमेजिंग, लॉट ऑफ फन। हाँ डैम श्योर, फॉर श्योर। पाँच बजे नहीं, रास्ते का दावा मैं गेटी पे, मतलब रास्ते बैठा था और इतनी एक्साइटमेंट थी क्या बताओ, कितनी एक्साइटमेंट थी। फर्स्ट हाफ ऐसा है ना भाई कि मतलब आप रोओगे भी, हंसोगे भी, इमोशंस भी होगे। ये अलग कंटेंट है, अलग मूवी है, मतलब क्या बोलूँ यार, कमाल धमाल चड्डी फाड़ रुमाल हो गया है। भाई जो जिनको पसंद नहीं आ रहा ना, वो मेरे ख्याल से ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, पता है उनको सालार की शलवार पहननी है। एक्चुअली उनको डंकी का डंका नहीं सुनना है, उनको सालार की शलवार पहननी है जिसका नाड़ा बहुत लूज है। तो शाहरुख खान जिस तरह का एक्टर है ना, जिस तरह का प्रेजेंट करता है ना, और राजकुमार हिरानी ने जिस तरह का उनको प्रेजेंट किया है ना भाई, हक के बॉस, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान ही कर सकता है जो वो इस वक्त कर रहा है। और इंटरवल के बाद की एक्साइटमेंट जितनी है ना, जितना मतलब बच्चा पैदा होने की भी माँ बाप को नहीं होती, उससे ज़्यादा मुझे। भाई अभी देखो मैं ना पूरा क्लियरिफिकेशन करता हूँ, थोड़ा टाइम लूँगा। आपको पता है इससे पहले टाइगर 3 आई थी, टाइगर 3 में शाहरुख का कैमियो था, बराबर शाहरुख खान के फैंस गए मूवी देखने, बट टाइगर 3 क्या हुई, डिजास्टर हुई। बजट कितना था टाइगर 3 का, 300 करोड़ था, कितना रिकवर किया, 282 करोड़, पिक्चर हुई डिजास्टर। तो सलमान खान के फैन ने क्या बोला कि शाहरुख खान के फैन ने टाइगर 3 को फ्लॉप किया। अब भाई सालार के साथ कौन, डंकी, राइट, डंकी आई और डंकी, फिर सलमान खान के फैन ने नेगेटिविटी फैलाई। क्या फैलाई कि भाई शाहरुख खान के फैन ने टाइगर 3 को फ्लॉप कराई। मनीष शर्मा ने नहीं करा भाई, डायरेक्टर की गलती नहीं थी उसमें, उनको मनीष शर्मा की गलती नज़र नहीं आई, उनको किसकी गलती आई, शाहरुख खान की गलती नज़र आई, राइट। तो जिस तरह से नेगेटिविटी फैलाई सलमान खान के फैन ने, वो टोटल सालार को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सालार नहीं, उसको शलवार बोलता हूँ, और वो शलवार का नाड़ा इतना लूज है बॉक्स ऑफिस पर बहुत गंदा गिरने वाला है, आप लिख के ले लो। और सलमान खान के जितने भी चूतिए फैन है ना, सलमान खान का फैन मैं भी हूँ, और बट चूतिए फैन जो है ना, वो चूतिए थे, चूतिए और चूतिए ही रहेंगे, और डंकी का डंका बजने वाला है, और ऐसा बचेगा कान और गांड दोनों फटेगी। सॉरी गाली दिया मैंने। देखो डंकी मूवी अभी है, मतलब कि सुबह 5 बजे सो के उठा मैं बोला चलो अब डंकी देखते हैं जाके, मतलब कि जो मूवी का जो एक्सपेक्टेशन था ना, वो मतलब खरा नहीं उतर पाया। देखो राजू हिरानी हमेशा से माने जाते हैं अच्छे कंटेंट बनाने में, चाहे उनका पीके देख लो, संजू देख लो, 3 इडियट देख लो, मूवी के अंदर कॉमेडी, इमोशंस, देखो मूवी के अंदर ना, ये डंकी की बात करें ना, तो कॉमेडी कहीं कहीं पे ऐसा कुछ जोक्स है जो आपको हंसाएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा आपको फील होएगा ज़्यादा हो गया। तो या इसमें 2-3-4 कैरेक्टर हैं, जैसे कि तापसी पन्नू, उसके बाद एक सरदार जी हैं, उसके बाद सुनील ग्रोवर के जो भाई हैं वो भी हैं, लेकिन जो सरदार जी हैं वो कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि उनका जो जोक्स है एक दो जो हंसने को मिलेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि यार ये ज़बरदस्ती का हो रहा है। शाहरुख खान की बात करें तो जैसे ही उनकी एंट्री होती है वो दौड़ते हैं, उनका लुक ज़बरदस्त, उसके बाद फिर उनका जो फ्लैशबैक लेके जाती है पंजाब पे, उनका जो लुक दिखाया ना यार, पूरा फील आ रहा ये फैन और जीरो वाला फील आ रहा, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि पूरा VFX से इनको जवान किया गया। और कहीं ना कहीं डंकी जो मूवी है ना, ये शाहरुख खान पे शूट नहीं कर रहा भाई, मतलब कि शाहरुख खान ना वो एक्शन मूवी चाहिए उनको, जैसे जवान बनाया उन्होंने, पठान बनाया, तो वो लेवल की मूवी करो सर, आपके ऊपर जम नहीं रहा ये मूवी। और राजू हिरानी को बोलूँगा कि यार ये कॉन्सेप्ट आपने लाया कहाँ से, अगर आपने लाया भी तो इनको प्रेजेंट करने नहीं आया, मतलब सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए, पूरी मूवी बोर करती है। विक्की कौशल की बात करें, हाँ इंटरवल से 5-10 मिनट पहले मूवी थोड़ी सी ट्विस्ट लेती है, जो कि मैं रिवील नहीं करूँगा, आप देखो मूवी को समझ में आएगा। लेकिन हाँ विक्की कौशल का काम मुझे अच्छा लगा, बंदे ने थोड़ा सा मूवी को संभाला है, लेकिन मूवी पूरा डामर डोर है, अब देखते हैं सेकेंड हाफ क्या होती है भाई।
अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा, जब फर्स्ट हाफ ही इतना अच्छा नहीं बनाया उन्होंने तो यार सेकेंड हाफ में क्या हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। चलो आई होप कि सेकेंड हाफ पब्लिक को बैठा के रखे, सिर्फ फैंस चिल्ला रहे भाई थिएटर में, नाच रहे हैं, पब्लिक सो रही थी, मेरे बाजू वाला तो सो रहा था, दो को बड़ा नींद आ रही है मुझे, तो अब क्या करें भाई, मूवी अच्छी नहीं है तो नींद आएगी ना, सुबह 5 बजे उठ के 2 घंटा नींद मारा उसके बाद मूवी देखने आ गए, देखो 6 बजे जवान देखा लेकिन सर आँखें नहीं झपकी, लेकिन यहाँ पर आँखें बार बार झपक रही है, बार बार सुसु लग रहा है, हम समझ गए कि मूवी डाउनलोड हो रहे भाई। तो वन वर्ड में बोलूँगा ना कि शाहरुख खान के जितने भी फैंस हैं थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे मुझसे, लेकिन ये मूवी आप लोग जो सोच रहे हो उनकी शाहरुख खान का 500 करोड़ जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, 200 करोड़ कर ले वही बहुत बड़ी बात है। देखो मूवी के अंदर सिर्फ अगर हम इंटरवल से 10 मिनट पहले का सीन छोड़ देना आपको कुछ याद नहीं रहेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे को कोई मजा नहीं आया, अभी देखते सी कैंड अब क्या करती है मूवी। थैंक यू। ओके ठीक है, कॉमेडी ज़्यादा पैकेज है, लाइक यू एक्सपेक्टेड मुन्ना भाई का जैसा कॉमेडी है, कॉमेडी काफ़ी अच्छा है, विकी कौशल का जो जलने का जो इमोशन जो लगा, लाइक उसके जो स्क्रिप्ट थे, मतलब लोग जैसा पंजाब में जैसा बेवकूफ़ बना के फॉरन बना के लूटना वीटना ये सब जो दिखाया, स्मगल करना ये करना, उसके हिसाब से रियल स्टोरी लाइफ टाइम दिखाई गई है, तो इट्स रियली अ गुड स्क्रिप्ट। अभी आगे सेकेंड हाफ देखना है क्या चल रहा है, कैसे जाएंगे, कैसे स्मगल होंगे, एंड जो किरदार है काफ़ी अच्छी तरह से निभाया शाहरुख खान का, कम्प्लीटली पैकेज है, कॉमेडी मस्ती खोर टाइप का दिखा, जैसे उनका स्टार्टअप जो आया पंगा लेके रनिंग ग्राउंड्स पे अचानक फ़ोन आके, मींस वही देख रहे हैं अभी उन लोग दुबई का आके क्या है स्टोरी क्या है, अभी वही देखना है सकना नहीं, जवान अलग मूवी है, ये अलग मूवी है, एक्सपेक्टेशन ईरानी का ये कॉमेडी, कॉमेडी तो है, देर इज़ नो डाउट देर इज़ नो कॉमेडी, क्राउड्स आर लाफिंग दे आर एंजॉइंग, लेकिन जो बोल रहे ना अभी थोड़ा हाई जाना चाहिए, सेकेंड हाफ वी एक्सपेक्टिंग मच मोर हायर देन दिस, सो लाइक दैट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ओके दैट्स इट। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड मतलब शाहरुख सर तो है, बाकी सब ने लाइक तापसी पन्नू का भी जितना है जो चल रहा है, फिर विक्की कौशल बहुत ही अच्छा एक्टिंग की है, और जैसे कि दिखाया गया है मतलब ट्रेलर में भी दिखाया है कि शाहरुख सर के पहले की मूवीज़ के कुछ बाइट्स, मतलब वो यादें हम लोग को याद आ रही है, लाइक बहुत कुछ सेम होकर भी सेम नहीं है, तो वो चीज़ आप लोगों को देखने मिलेगा, और जो भी लाइक रोलर कोस्टर राइड है, लाइक जिस मोड में भी आके खड़ी है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब शाहरुख सर की मूवी है तो डांस होना तो बनता ही है, चाहे वो सीट पे चढ़ के हो या सीट में बैठ के हो या सामने जाके हो, अलग लेवल में मज़ा आ रहा है हर सीन में, लाइक इतना फनी है, पूरा रोलर कोस्टर राइड है, लाइक रोने का भी है, अभी तो बस बाकी अब तक चालू ही गाँव, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो भी। अगर किसी ने मतलब शाहरुख सर का जो ट्विटर में आस के सार के चलता है उसमें शाहरुख सर ने बहुत सारे ऐसे हिंट्स दिए जो अभी कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा है कि अच्छा ये शाहरुख सर ने बोला था तो ये चीज़ के लिए होगा वो चीज़ के लिए होगा, तो वो सब भी बहुत मतलब बहुत एक्साइटिंग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है। फर्स्ट हाफ मूवी का बहुत अच्छा कॉमेडी है और एकदम लाफिंग है और बीच बीच में इमोशन भी है और फिर एक मैसेज भी है बीच में कि लीगल तरीके से जाना नहीं है, आगे और आने वाला मैसेज ये, और कहीं भी एकदम बोरिंग वोरिंग है ही नहीं है। दूसरी बात शाहरुख की एक्टिंग बहुत हार्ड, कॉमेडी कभी करता नहीं, वो कॉमेडी कर रहा है, और अभी तो पिक्चर स्टार्ट होगी, अभी लोग जाएंगे डंकी के वैसे डंकी के तरीके से क्या मैसेज दे गए और कैसा कोचिंग है उन लोग, अभी उसमें पूरा जर्नी है, उसमें इमोशन भी है, फिर बाद में फिर कैसा उन लोग अपना जो ड्रीम है पूरा करते हैं, अभी पिक्चर शुरू होगी तो मालूम पड़ेगा कि आगे क्या है मतलब, और पिक्चर तो वो हिट है, सवाल ही नहीं, शाहरुख की हैट्रिक है और ये स्लो पॉइजन है, थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते जाके विन द रेस है और आगे जाके ये 500 करोड़ मारेगी, और बाद में कल वो सलार आ रही ना, सलार को तो थिएटर सिनेपोलिक्स जैसा PVR ने थिएटर दिया ही नहीं है, और साउथ में जो करेगी बाकी तो शाहरुख ने ले लिया पूरा यहाँ पे एकदम, काय के स्लो, पब्लिक एंजॉय कर रही है, काय का स्लो है, शाहरुख की एक्टिंग बाकी सब लोगों को बराबर दिया है, रोल एकदम कैरेक्टर एकदम पूरा एकदम हंसा रहा है, बीच में इमोशन, विकी कौशल का तो काम इतना जबरदस्त था ना कि पिक्चर तो वहीं पे उठ गई थी पूरी, समझे, और अभी पिक्चर देख के आऊँगा, वापस मिलूँगा, वापस इंटरव्यू दूंगा, ठीक है सर। बहुत कॉमेडी लगा भाई, अभी तो आधी मूवी बाकी, अभी तो और भी मज़ा आने वाला है। किंग खान की जब एंट्री हुई थी
अरे अनबिलीवेबल, बहुत जोरदार था। आई वॉन्ट टू गो लेवेट्री, वेर इज। हाँ बहुत अच्छा था, थोड़ा इमोशनल था, कॉमेडी था, अभी तो और बाकी जो होगा देखा जाएगा। जब सॉन्ग आया था, सॉन्ग हाँ, अरे बहुत पब्लिक सब स्क्रीन के पास पहुंच गए, सब प्लेन उड़ाने लगे। लगता है सेकंड हाफ जरूर और होना भी चाहिए।